नमस्ते। इस एपिसोड में हम विज्ञान भैरव तंत्र की एक और विधि के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं और मुझे ये महसूस होता है कि वो इतने जस्टिफाइड नहीं है। जो उसकी डिटेलिंग है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो उसको कवर नहीं करती। तो शॉर्ट वीडियोज़ बनाने में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जा सकते, लेकिन उसके अंदर जो है एक डेप्थ मिसिंग है। और ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ, इस काम को करने में सबसे पहले मेरी खुद की संतुष्टि हो तो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस काम को करने में मेरी खुद की संतुष्टि नहीं है, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं करूँगा। तो आने वाले समय में वो जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो आप देखेंगे, वो मेरे लॉन्ग वीडियोज़ में से ही लिए गए होंगे। तो शायद मैं अब शॉर्ट वीडियोज़ ना शूट करूँ, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियोस जो उसकी पूरा कंटेंट है उसको ज़रूर शूट करूं, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट। तो जब मैंने वो वीडियोस शूट करे थे कि बहुत लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे और उसको ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन उसकी डिटेलिंग मिसिंग होने के कारण उसको शेयर करना, उसके बारे में बात करना जो है इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अभी के लिए जो है मैं एक एक विधि को जो है प्रॉपरली उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और यही मैं जो है भगवद गीता के साथ भी करना चाहूँगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आप बना तो देते हैं, लेकिन अगर इन वीडियोस को जो है आपने अपने जीवन में उतारना है, उनका उपयोग करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानना ज़रूरी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी भी विधि के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब आप इनको ट्राई करें, जब आप इनको जो है प्रैक्टिस में लाएं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो है किसी प्रॉपर गुरु या टीचर की गाइडेंस हो। उनके अंदर जब आप इन विधियों को करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और उनको अच्छे से भी कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज की विधि के बारे में। आज की विधि है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके पूरे स्वरूप में देखना, ना कि टुकड़ों में। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कटोरे की बात करें, अगर हम एक कटोरे को जो है देखते हैं, तो जब हम उस कटोरे को देख रहे हैं, हम उसको जो है उसके पूरे स्वरूप में नहीं देख पा रहे, हम उसको हिस्सों में देख रहे हैं। हमारी आँख जो है उसको हिस्सों में बांट देती है। हमारी आँखें सबसे पहले उसकी जो है साइड्स देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे, उसकी डेप्थ देखेंगे। ये विधि कहती है कि जब आपने किसी वस्तु को देखना है तो उसको उसके पूरे स्वरूप में देखना है। यानी कि जब आप उस कटोरे को देखेंगे तो उसको विभाजन नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, उसको ए बी सी डी नहीं बनाना है कि पहले वो उसको जो है मटेरियल देख रहा है, फिर डेप्थ देख रहा है, फिर उसकी साइड्स देख रहा है। ये विधि कहती है कि जब आप उस कटोरे को देख रहे हैं तो उसको पूरे स्वरूप में देखें। और भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम उस कटोरे को जो है पूरे स्वरूप में उसको देखते हो, उसको देखते ही तुम्हारा खुद का स्वरूप जो है प्रकट हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं, अगर आप उसके पूरे स्वरूप को देख लें, तो वो एक मौका बन सकता है आपको अपने खुद के भीतर लेके जाने का। टुकड़ों में देखना जो है मन का स्वभाव है। मन जो है जब भी किसी वस्तु को देखता है तो उसको टुकड़ों में बांट देता है। मन जो है विभाजन कर देता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, सबसे पहले आपने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके शरीर को देखा, फिर आपने देखा कि ये व्यक्ति जो है स्त्री है या पुरुष है। इस तरह से जो है मन ने जो है विभाजन कर दिए, और इस विभाजन के कारण जो है मन उसको जो है पूरे स्वरूप में उसको नहीं देख पा। ये विधि कहती है कि अगर आपने जो है उस व्यक्ति को जो है ये बिना सोचे कि वो पुरुष है या स्त्री, उसको सिर्फ देखा, उसको उसके पूरे स्वरूप में उसको जो है स्वीकार किया, तो उसको देखते ही ये मौका बन जाता है कि वो जो ऊर्जा जो उस व्यक्ति की तरफ जा रही है, वो ऊर्जा जो है वापस तुम्हारी तरफ चली जाती। जैसे मैंने बात करी कि मन का स्वभाव है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। मन जो है एक से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है ट्रैवल करता रहता है।
लेकिन अगर आप किसी को जो है पूरे स्वरूप में जैसे ही देखते हैं, वहाँ पे जो है मन जो है उसकी जो ऊर्जा है उसके लिए कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, और जैसे ही उस ऊर्जा को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, वो ऊर्जा जो है आपकी तरफ जो है वापस लौट जाती है, और वो एक क्षण ऐसा है कि वो आपको जो है ध्यान में गहरा लेके जा सकता। तो जब ऊर्जा जो है आपकी तरफ जो है वापस लौट जाए, भगवान शिव कहते हैं उसको महसूस करो और उसमें जो है हो जाओ, उसमें खो जाओ। वो स्वरूप जो तुम बाहर देखते हो, उस स्वरूप के कारण तुम्हें जो है अपने स्वरूप का जो है दर्शन हो सकता। तो विधि तो बहुत छोटी है, विधि तो जो है बहुत सिंपल है। अगर आप इसको जो है ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है मिरेकल्स होने शुरू हो गए, कि आप यहाँ पे हैं फिर भी आप कहीं और चले गए। गुरु ओशो कहते हैं कि जो इस विधि को कर सकता है वो अपने आप को कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसके लिए संसार जो है बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि हो सकता है संसार में आप किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हों जिसके साथ आप नहीं होना चाहते, तो उन क्षणों में अगर आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो वो जो ऊर्जा है वो आपकी तरफ जो है वापस लौट जाएगी, और जैसे ही वो ऊर्जा वापस लौट जाएगी आप अपने स्वरूप में जो है हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा जो है वापस आपकी तरफ जो है वापस लौट जाएगी। कहते हैं सुकरात जो है अक्सर इस विधि का जो है प्रयोग करते थे, हालांकि वो योगी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सारी विधियों को जो है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको यूज़ करते थे। एक बार की बात है कि उनकी बीवी जो है उनके लिए जो है चाय लेके आए, शायद उस वक्त जो है सुकरात जो है इसी विधि का जो है प्रयोग कर रहे थे। उनकी बीवी ने उनको जो है आवाज़ लगाई, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन सुकरात जो थे वो जैसे अपने भीतर कहीं गहरे में हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और उस वक्त जो है उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गर्म चाय जो है उनके चेहरे पर फेंक दी, और सुकरात का जो है आधा चेहरा जो है जल गया। सुकरात अच्छे फिलोसोफर थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन अच्छे पति नहीं थे, नहीं तो अपनी पत्नी को जो है अच्छे से हैंडल कर लेते। तो मैं ये नहीं चाहता जो सुकरात के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, इसलिए बहुत ध्यान से जो है इस विधि का प्रयोग करिए। खैर ये तो मजाक है, लेकिन इसके पीछे जो है एक बहुत एक सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी जो आपको अपने आप से मिलने के लिए जो है एक बहुत सुंदर एक जो है एक प्रयास है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, या फिर कहें 112 तरीके जिसके जरिए जो है आप अपने तरफ जो है वापस लौट सकते। और ये सारी विधियां जो है भगवान शिव ने जो है पार्वती को दी, और पार्वती यहां पे जो है शिष्य की तरह है, प्रेमी की तरह है। सिर्फ एक शिष्य को ही जो है ये विधियां दी जा सकती हैं। जब आप किसी के गहरे प्रेम में होते हैं तो तब आप जो है उसकी बात मानते हैं, उसको सुनते हैं, उसकी कहे पे चलते हैं। इसलिए जब पार्वती जो है इस मार्ग पे चलती हैं तो इसका जो एंड रिजल्ट जो दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं अर्धनारेश्वर, कि पार्वती जो है वो शिव में समा जाती, कि गुरु और शिष्य जो है एक हो गए। यही क्षमता जो है, यही पॉसिबिलिटी जो है आपकी भी है, कि आपका प्रेम उस गुरु के प्रति आपके भीतर जो है एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, और गुरु के साथ एक हो जाना, उस प्रभु को जानना है, गुरु की याद में जीना जो है उसकी याद में जीना है। क्योंकि आपने प्रभु को देखा नहीं है, आपके सामने जो रूप है वो गुरु का ही है। तो इस विधि की सारी बात यह है कि कैसे आपका जो विजन है, कैसे आपकी जो दृष्टि है वो स्थिर हो जाए। उस स्थिरता के अंदर जो है आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी तरफ जो है वापस लौट जाती है। जितनी ज़्यादा आई की मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा जो है आपकी जो आँख है वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह से जो पॉइंट्स में ट्रैवल करती रहती है, उतना ही जो है आपका जो मन जो है वो एक्टिव रहता है। आपको पता होगा जब आप सोते हैं तो जब आपके अंदर एक सपना चलता है तो हम आपकी आँखों को बाहर से देख सकते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आँखों के अंदर जो है मूवमेंट हो रही होती है, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, REM। ये REM सिर्फ हमारी मन की गतिविधि को बता रहा है कि हमारा मन जो है कितना चंचल है, कितना ज़्यादा जो है वो घूम रहा है। इस विधि के जरिए जो है आपके अंदर जो है एक स्थिरता आ सकती है, कि आप अपने भीतर जो है एक स्थिरता के बिंदु पर जो है लौट सकते हैं, टिक सकते हैं। और जितनी ज़्यादा देर आपकी ऊर्जा जो है आपके भीतर रहेगी, उतना जो है आप अपने स्वरूप को जान पाते। जब पहली बार आपको ये अनुभव होता है, जब आप
आपको ये अनुभव होता है कि आपकी ऊर्जा जो है बाहर के बजाय जो है अब आपके भीतर लौट गई, उस वापस लौटने में जो है एक सुंदरता है, एक स्थिरता है, एक बहुत गहरी जो है रिलैक्सेशन है, कि जैसे भीतर का जो है एक द्वार खुल गया आपको। जिस गुफा की बात जो है ऋषि मुनि करते हैं, वो गुफा जो है आपने अपने भीतर जो है पा ली। गुफा का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा स्थान पे जो है आप बिल्कुल अपने साथ जो है हो सकते, बैठ सकते। तो मन के अचल होते ही आपका होना जो है प्रकट होना शुरू होता। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि दोनों चीजें जो हैं आप इकट्ठे नहीं देख पाए, या तो आप उस कटोरे को देख सकते हैं या फिर जो है आप अपने आप को देख सकते हैं, दोनों को इकट्ठे नहीं देख पाए। ऊर्जा या तो बाहर की तरफ जाती है या भीतर की तरफ वापस आती है। बाहर की तरफ जाती हुई ऊर्जा जो है संसार है और भीतर आती हुई ऊर्जा जो है संन्यास है। आपने अगर कोई एक तस्वीर देखी हो, एक ऐसी तस्वीर जहाँ पे दो इमेजेस जो है आपको दिखती हैं, एक ही फोटो के अंदर आपको दो इमेजेस दिखती हैं जब आप उसको जो है उल्टा तिरछा करते हैं तो, और अगर आपने नोटिस करा हो कि वो दोनों इमेजेस जो हैं आपको कभी भी इकट्ठे नहीं दिखेंगी, तो संसार और संन्यास भी ऐसा ही है, दोनों को इकट्ठे नहीं जिया जा सकता। या तो आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी या भीतर की तरफ वापस आएगी। और एक बार आपको जो है ये विधि समझ में आ गई तो इसको आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे ट्रेन में जाते हुए, चाहे बस में ट्रैवल करते हुए, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हुए, चाहे किसी कैफे में बैठे हुए, कि सडनली जो है आप किसी वस्तु को देखें या व्यक्ति को देखें और उसके जरिए जो है आप अपने तरफ जो है वापस लौट गए, या फिर आप आसमान में तारों को देखते हैं तो इतने सारे तारे हैं, एक तारे को देखना शुरू करें, उस तारे को देखते 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 आप देखेंगे कि वो तारा भी जो है गायब हो गया, और उसके गायब होते ही एकदम से वो ऊर्जा जो है आपके भीतर वापस लौट। निहारूं मैं पत्ते को बिना देखे किनारा, ना सोचूं उसकी बनावट ना परखूं उसके सारे, हरियाली में खो जाऊं जहां ना कोई सीमा हो, प्रकृति की सुंदरता में मन का हर पल नीमा हो। हो सकता है पीपल या हो बरगद भारी, रूप की इस समर्पण में मिले जीवन की सार्थकता सारी, निरंतर में समाहित प्रकृति का अपना प्यार, दृष्टि को विस्तार देके देखूं संसार का संसार, नहीं भटके नजर कहीं ना हो कोई विचलन, मन की गहराई में ही मिले विश्व का चिंतन। तू देखे पत्ते को हम ऐसे अनोखे ढंग से, जहां आकार ही सत्य है, पदार्थ है बस संग से, समर्पित होकर प्रकृति में महसूस करें हर क्षण, पत्ते की हरी भरी सुंदरता में पाए जीवन का स्पंदन। तो हो सके तो इस विधि का जो है प्रयोग करके जरूर देखिएगा, और प्रयोग करके जो है अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। आपके हर कमेंट्स को जो है मैं पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ, तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।